कर रही है? माफ करना राखी बेन, राशि बेन वो कमले तक पानी नहीं पहुंच रहा है, तो कमला यहाँ खींच के मैं पानी डाल दूँ? गोपी, एक दिन इन पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो वो मर नहीं जाएंगे। अब चल यहाँ से। राशि बेन, अब तू मेरे पीछे पीछे बाथरूम में भी आएगी? यही कड़ी रहे, उधर घूम जा, और खबरदार अगर पीछे मुड़ के देखा तो। हेलो मम्मी, हेलो मम्मी। अरे आशु करे छे, क्यों खुसर पुसर किए जा रही है? अच्छा आप बता, हुआ क्या? अब क्या बताऊं मम्मी, कुकर कांड की सजा भुगत रही हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कागड़ी मदारी हो और हमें बंदर बना के नचा रही हो। हाय हाय, बिचारी मारी दिकरी। ये गोपी भी ना बड़ी फालतू चीज निकली, उसके किए कर्मों की सजा आज तुझे भुगतनी पड़ रही है, उससे तो तुझे छुटकारा दिलाना ही पड़ेगा। पर कैसे मम्मी? अब एक काम कर, तुम दोनों रसोड़े में जाओ। नहीं नहीं नहीं, रसोड़े वाला कोई भी नुस्खा मत बताना। मम्मी, मेरी आंखों के सामने अभी भी वो जला हुआ कुकर और धुएं वाला किचन नजर आ रहा है, और वो याद तो मुझे कप कपा देती है। अच्छा तो तू तेरी जान, मैं फोन रखती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अच्छा बताइए। एक काम कर, दोनों रसोड़े में जाओ और वहां कैसे भी करके गोपी को शाक काटने के काम में लगा दे, और ऐसी खींचातानी कर कि गोपी का हाथ कट जावे। मुझे पूरा भरोसा है ये देखकर वो कागड़ी का मन जरूर पिघलेगा और वो तुम दोनों को खुला छोड़ देगी। ओके मम्मी। जय श्री कृष्णा। लेकिन राशि बेन, अभी से रसों की तैयारी, अभी तो खाने में टाइम है। गोपी तू बेवकूफ है क्या? हम दोनों को एक ही हाथ से काम करना है तो समय भी ज्यादा ही लगेगा ना। अच्छा सुन, मैं तुझे सब्जियां धो के देती हूँ, तू काटना शुरू कर। ये शुरू कर। चल जल्दी कर। गोपी भाभी। क्या है कमला? गोपी भाभी क्या है? दिखाई नहीं देता? वो काम कर रही है ना, बाद में आएगी वो। जाओ तुम। बस मैं अभी आई कमला बेन। हे भगवान, क्या है राशि? है तुम्हारा रसोड़े का कोई बैर है क्या? तुम्हारे रसोड़े में कदम रखते ही सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, कभी ये गिरा कभी वो गिरा। नहीं काकी जी, वो
वो मैं घबरा गई थी, ये छुरी तो मेरे पैर पे ही गिरने को थी। ओ रूपमती, ये सब नाटक ना बंद कर। जवा देना कोकिला वो। ऐसे कैसे छोड़ दूं माँ? इतनी जल्दी सजा माफ कर दूं? बा, इस बात पर अब हम और बात ना करें तो अच्छा है। और तुम राशि, अब अगर तुमने मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाया ना तो तुम्हें इससे भी ज्यादा कड़ी सजा दूंगी, समझी गई? हवे हाथ जल्दी जल्दी चलाओ अने जमवानू बनाओ। जी शो सर, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, जरा मॉम को फोन देना। किसका फोन है? अहम भाई जी का फोन है। जा तू रसोड़े में जा। हाँ हेलो। हाँ दिक्रा बोल। वो मॉम, विदेश से मेरे कुछ NRI क्लाइंट्स आए हुए हैं, आज हमारे घर 6 बजे चाय पे आने वाले हैं और हो सकता है डिनर के लिए भी रुक जाए। मॉम मैं सोच रहा था कि उन्हें खास हमारा गुजराती खाना परोसा जाए तो शायद उन्हें अच्छा लगे और वो खुश होकर मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दें। मॉम वैसे वो हमारे काम से तो पहले ही बहुत खुश है, अब अगर खातिरदारी से भी मन भर दिया जाए तो हमारी गुडविल में कुछ और इजाफा भी हो सकता है। केम नहीं दिखरा, तुम्हारी मेहनत ऐसे ही थोड़ी खा ली जाएगी, और खूब तरक्की करो। जी। तुम खातिरदारी की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। अरे कितना खास रही हो, पिछली बार तेरा गला खराब हुआ था तो मैंने जो काढ़ा बना के पिलाया था ना तुझे, वही बना के 2-3 बार पी लेना। गोपी राशि ये सब छोड़ो, कमला इधर आओ, इधर आओ, ये रस्सी खोल। मोटा भाभी, बा आज शाम को अहम के कुछ विदेशी मेहमान और NRI घर आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि उन खास मेहमानों के सामने आज घर पे कोई तमाशा हो। ये सजा से छुट्टी तो मिल गई पर इससे एक सबक जरूर याद रखना, दोबारा गलती करने की सोचना भी मत। समझी गई गोपी वाओ? राशि समझी गई? जी काकी जी, समझ गई। तुम दोनों को इस सजा से जो मुक्ति मिली है ना, उसके लिए तुम्हें अहम का शुक्रगुजार होना चाहिए, उसी के खास मेहमान आ रहे, इसीलिए आज तुम दोनों को इस सजा से जल्दी मुक्ति मिल गई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारी गलतियों के जो पाप है ना वो धुल चुके हैं। मेरा अहम ही परेशान नहीं है बल्कि सभी लोग परेशान है, घर में अशांति सी हो गई है। राशि तुम रसोड़े से बाहर जाओ, यही अच्छा होगा। मेरे दिकरे अहम के सामने एक खास मौका आया है और मैं नहीं चाहती हूं कि तुम्हारी वजह से कोई भी गड़बड़ी हो, क्योंकि आज मैं खुद अपनी देखरेख में सारे काम करवाऊंगी। और वैसे भी रसोड़े के अलावा बहुत सारे और भी तो काम है। राशि तुम बाहर के भी तो काम देख सकती हो। मोटा भाभी आप बुरा मत मानिएगा, राशि चाहे तो रसोड़े में रहकर काम कर सकती है पर मेरे कहे अनुसार। कोकिला इसमें बुरा मानने वाली बात कौन सी है, काम तो आखिर काम होता है, रसोड़े में करो या बाहर करो। एक काम करो,
रसोड़े का काम तुम संभाल लो, बाहर का काम मैं और राशि मिलकर संभाल लेते हैं। तुम बस ये कहो कि करना क्या है। ठीक है मोटा भाभी, तो हाँ मैं चाहती हूँ मंदिर की सफाई और सजावट भी हो जाए, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अहम अपने मेहमानों को पूरा घर जरूर दिखाएगा। और तुम राशि, सारे फूलदानों में ताजे फूल लगाना भूलना मत, समझी गई? जी। तुम चिंता मत करो कोकिला, सब हो जाएगा। राशि दिख रहा, चलो काम पर लगते हैं। चलो बा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।